सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑल स्टडी फ्री चैनल। और आपको यहाँ पे दिया मैम भी कई सारी इन्फॉर्मेशन जो है एसएससी से रिलेटेड प्रोवाइड करवाती रहती हैं। तो आज की इस वीडियो के थ्रू मैं एसएससी सीएचएसएल के बारे में जो मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। आपको इस चैनल पे सारे कंटेंट जो है एसएससी से रिलेटेड मिलते रहेंगे, चाहे आपको मतलब अपडेट हम टाइम टू टाइम करवाते रहेंगे जो भी रहेगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अभी हम बात करने वाले हैं जो सीएचएसएल के स्टूडेंट्स होंगे जो अपकमिंग फॉर्म है मतलब 2022 का, तो उनमें जो कैंडिडेट है वो कौन कौन सी एज वाले कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट के मन में ये डाउट जरूर होता है। अब यहाँ पे आपको बताया है 1995 हो गया, 196 हो गया, 7 हो गया, 89 यहाँ पे आपको बताया 2001, 2003, 2004, मतलब ये कौन कौन से कैंडिडेट हो सकते हैं इसके लिए एलिजिबल, क्योंकि ऑलमोस्ट कई सारे जो है कॉमेंट भी आते हैं हमारे पास कि सर हम इतने एज के हैं, हम क्या अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। और मैम को भी कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिलते रहते हैं सीएचएसएल के लिए, ठीक है। तो आपका पूरा डाउट मैं क्लियर करने वाला हूं। अगर आप एक सीएचएसएल के स्टूडेंट है या फिर एसएससी के स्टूडेंट है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, एंड यहां पे हेल्पफुल डेफिनेटली होने वाली है, क्योंकि आपको पूरे यहाँ पे क्लेरिफिकेशन जो है मिलने वाला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड एसएससी सीएचएसएल अपकमिंग 2022 फॉर्म के लिए, ठीक है। अब आपको पता है जैसे कि आने वाले समय में जो एसएससी सीएचएसएल है वो 2022 में एग्जाम को कंडक्ट भी करवाएगी, साथ में आपको सारी चीज़ जो क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। मगर बात की आती है कि सबसे पहले एग्जाम तक पहुँचने से पहले आपको एग्जाम का फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, तो जिसके लिए एक यहाँ पर एज की लिमिटेशन होती है। अब यहाँ पे कई सारे कैंडिडेट होते हैं जो यहाँ पे न्यूली होते हैं मतलब फ्रेशर होते हैं एकदम, ठीक है। तो ऐसे में उनके जो एज होता है तो वो एक डाउट में रहते हैं कि पता नहीं भाई हमारी एज जो है इस अभी जो एज है वो हुई है कि नहीं हुई है। और यहाँ पे उनका एक जरूर से कॉमेंट जरूर आ जाता है कि सर हमारी एज इतनी है, मैम हमारी एज इतनी है, तो पता नहीं हम इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेटली चलिए मैं आपको प्रूफ के साथ जो यहाँ पे बिल्कुल बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हम एलिजिबिलिटी आपको कुछ यहाँ पे जो जिन्होंने फॉर्म फिल कर लिया होगा ऑलरेडी तो उनको तो पता ही होगा, बाकी अगर जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया या फिर फ्रेशर हैं तो आपको मैं यहाँ पे पूरा क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी से रिलेटेड जो बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी चलते हैं, मैं आपको यहाँ पे प्रूफ के साथ जो है पूरी चीज़ें डिस्कशन करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको लिमिटेशन में बात करने से पहले सबसे पहले हम इसकी एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम समझने वाले हैं, ठीक है। जो एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये डिपेंडेड होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको मैं पूरा क्राइटेरिया बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, ठीक है, ऑलमोस्ट मोटा मोटा अगर हम ईयर्स की बात करें तो यहाँ पे 18 to 27 ईयर्स के कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स अगर आपने 18 क्रॉस कर लिया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड 27 अगर आप पहुँच चुके हैं 27 की एज तक पहुँच चुके हैं तो यहाँ पे उसके बाद जो है आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बट हालांकि एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, अगर आप जिस जो है कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसमें अगर आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है तो आप यहां पे उसके भी मतलब उनका जो क्राइटेरिया होता है उसका भी होता है, ठीक है। आपको पता है कि हर एक कैटेगरी के अलग अलग क्राइटेरिया होता है, तो आप अपने क्राइटेरिया को मैच करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहां पे बात करने वाला हूं कौन कौन से, देखिए आपको मैं यहां पे जो मैं बता रहा हूँ ना, सबसे पहली चीज़ मैं आपको DOB लेके चलता हूँ, ठीक है। एक DOB लेके जिनसे जो नए कैंडिडेट होंगे मतलब जो फ्रेशर होंगे कैंडिडेट जो फ्रेशर हैं उनका ये पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि भाई हमारा एज इतना है, इतना इतना कब से हम अप्लाई करते हैं। देखिए सबसे पहले चीज़ मैं बताता हूँ, 1/1/2022, ठीक है, यानी कि 1 जनवरी 2022, ठीक है। ये आपका एज मतलब इस टाइम से पहले का जो यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ बताया हुआ है कि यहाँ पे नॉट बिफोर बॉर्न, ठीक है, 1/1/95 मतलब 1 जनवरी यहाँ पे आपको 1995 से पहले जो है यहाँ पे बॉर्न नहीं होने चाहिए कैंडिडेट, ठीक है। मतलब कि इनसे अगर आप इनसे पहले के मतलब जैसे कि 1994 में है, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप 1994-93 के हैं तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे लेटर की अगर हम बात करें भाई, क्योंकि अभी फ्रेशर कैंडिडेट है जैसे 2001, 2003, 2004 आते हैं, तो यहाँ पे 1 जनवरी 2004 के बाद जितने भी कैंडिडेट हैं मतलब 2005 में जिनका यहाँ पे 1 जनवरी 2005 में जिनका यहाँ पे जन्म हुआ है वो यहाँ पे इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप 1 जनवरी 2004 तक अगर आप हैं तो आप फॉर्म फिलअप डेफिनेटली कर सकते हैं, ये जैसे कि दिया भी हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि जो अपर एज वाले हैं मतलब कि जो
यहाँ पर 27 से ऊपर हो चुके हैं, तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन जो है कैटेगरी वाइज दी जाती है, ठीक है। तो उनको आप कैटेगरी वाइज के लिए आपको पता है कि हर एक कैटेगरी का अलग अलग एज रिलैक्सेशन होता है। अगर आपका ओपिनियन रहा, कॉमेंट रहा अगर, ठीक है, तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो जो है प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर मैम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, कोई भी प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है। बट यहाँ पर अगर हम एज रिलैक्सेशन लेके चले, तो जो एज रिलैक्सेशन होता है, सबसे पहले अगर हम देखें तो भाई यहाँ पे अगर आप काफ़ी ओल्ड हो चुके, मतलब आपकी जो एज है वो 27 हो चुकी, क्रॉस हो चुके हैं आप, तो भाई आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, ठीक है। मतलब कि अगर आप यहाँ पे 1995 से पहले के हैं, मतलब यहाँ पे 1994 हो गए, तो वो आप एज रिलैक्सेशन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और अगर इनके सपोज दैट अगर आप मानो 2004 के बाद के, तो आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब यहाँ पे 2005 में अगर आपका बॉर्न हुआ है, तो इस केस में आप यहाँ पे फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते किसी भी हाल में, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि 18 प्लस जो है आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और यहाँ पे आप दिया गया है 18 साल से ऊपर हैं और 27 साल तक है, मान लीजिए 27 साल के जो ऊपर है उनको तो एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, बट अगर 18 साल के आप नीचे हैं, 17 साल के, 16 साल के, 15 साल के, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और एक चीज़ और बताता हूँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको बताया कि यहाँ पे कंपलसरी होता है 10+2 कंपलसरी होता है, ठीक है, और वहाँ पे क्वालिफिकेशन भी जरूरी है। अब ऐसा नहीं कि आपने कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं ली है और आप जो है 18 से 27 साल के बीच में और आपको लगे कि हाँ हम इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो ऐसा भी नहीं होने वाला है। आपको डेफिनेटली यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो मैनर करता है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड होती है अगर वो भी मैच नहीं करती है, तो डेफिनेटली आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कई सारी चीज़ पे, आपकी जो DOB उस पर भी डिपेंड करता है, आपका ईयर है उस पर भी डिपेंड करता है, साथ में डिपेंड करता है कि आपका कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मींस क्योंकि कई की कैटेगरी ऐसी होती है, अगर आप ओवर एज होते हैं तो ओवर एज में भी कई सारी कैटेगरी ऐसी होती है जिसमें आप फॉर्म को जो है एज रिलैक्सेशन जो भी मिलता है वो काफ़ी कम मिलता है, किसी में जो है ठीक ठाक मिलता है, ज़्यादा मिल जाता है, तो किसी जिन कैटेगरी को कम मिलता है तो उनको उनके हिसाब से एज एलिजिबिलिटी उनकी क्राइटेरिया होने वाली है। तो कहने का मतलब अगर हम टोटल अगर हम देखें ऑल ओवर, तो अगर आपको ये जो मैंने एज एलिजिबिलिटी बताई अगर इस लिमिटेशन के अंदर आते हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं आने वाले समय में। और इन केस अगर आप इस फॉर्म के अपर साइड में रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, आप उसके लिए कहीं ना कहीं आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप 17 साल के हैं तो आपको 1 साल तक का वेट करना पड़ेगा। अगर आप 18 साल के भी हैं और अगर आपने 10+2 नहीं किया, मतलब इसकी जो भी क्वालिफिकेशन होगी, ठीक है, आपको पता है जाहिर सी बात है 10+2 के बेसिस पे इस फॉर्म को यहाँ पे रिलीज़ किया जाता है, और अगर आप 10+2 आपने कंप्लीट नहीं किया है और आप 18 साल के हो भी चुके हैं, तो उस केस में भी आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। मींस यहाँ पे आपको आपका बर्थ और यहाँ पे साथ में आपका जो एजुकेशन क्राइटेरिया है वो भी मैच करना चाहिए, ठीक है। तो दोनों चीज़ अगर आप मैच करवाते हैं तो ही इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने डीपली जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताया, डीपली मतलब जो भी था ऑल ओवर डेट को लेकर, तो ये एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया मैंने आपको डीपली बताया, ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि कैसा कैसा क्या क्या क्राइटेरिया होता है, ठीक है। 95 से पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इतना आप क्राइटेरिया मैच कर लीजिए और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसको भी आप मैच करवा लीजिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अपकमिंग 2022 में। हालांकि वैकेंसी नहीं आई है, जैसी आती है आपको मैम या फिर जो है हमारे थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो है SSC CHSL से रिलेटेड जो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। सो थैंक यू सो मच।